इन दिनों रंगों के त्योहार होली की पूरे देश भर में धूम मची हुई है। पूरा देश होली के जश्न में डूबा हुआ है, तो वहीं सरोवर नगरी में भी फागोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। नैनीताल में इस महोत्सव के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें महिला बैठ की होली, पुरुष बैठ की होली के साथ ही कवि सम्मेलन भी शामिल है। नैनीताल की धार्मिक संस्था श्री राम सेवक सभा, जो लंबे समय से कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाती आ रही है, इसी संस्था की ओर से नगर में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव अगले 9 दिनों तक चलेगा, जिसमें खास है महिला दलों की प्रस्तुति। इसमें जिले भर की कुल 21 महिला होलियारों की टीमें प्रतिभाग कर रही है। इसके साथ ही इस महोत्सव में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं फागोत्सव कार्यक्रम में महिला होली दल की मनमोहक प्रस्तुतियां स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी खूब पसंद आ रही हैं, जिसमें महिला होलियारों के द्वारा होली जुलूस के साथ ही स्वांग के माध्यम से समाज को कई तरह के संदेश भी दिए जा रहे हैं, जिसमें कई सामाजिक मुद्दे जैसे नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, पर्यावरण बचाओ, वृक्षारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में हुए भर्ती घोटाले, जोशीमठ आपदा, पहाड़ की भूमि में मकान निर्माण, पलायन, पहाड़ संरक्षण समेत बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर जनता को चेताने का काम भी किया जा रहा है। इसी तरह का सामाजिक संदेश लिए हल्द्वानी से आई अमरावती कॉलोनी बमोरी महिला होली दल ने स्वांग के माध्यम से दहेज प्रथा पर कटाक्ष किया और समाज में आज भी बैठे दहेज लोभियों को आईना दिखाया। दल की सदस्य विनीता उप्रेती ने बताया कि उनकी टीम द्वारा दहेज प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया गया। बताया कि हालांकि समय के साथ दहेज प्रथा कम तो हुई है, लेकिन किसी न किसी रूप में यह अब भी समाज में व्याप्त है। वहीं पर्वती सांस्कृतिक कला मंच की महिलाओं द्वारा स्वांग के माध्यम से जोशीमठ आपदा पीड़ितों के दर्द को उजागर किया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि एक ओर तो पूरा देश होली के रंगों में डूबा है, तो वहीं दूसरी ओर जोशीमठ में आपदा पीड़ित अपने आशियाने के उजड़ जाने के गम में हैं। यहाँ उसका होली स्वांग का कि दहेज की प्रथा की वजह से उसको दूर किया जाए। लोग आजकल पहले की तरह से ज्यादा शोबाजी तो नहीं करते हैं, लेकिन अपरोक्ष रूप से दहेज अभी भी है समाज में। तो लेकिन हमारा जो नाटक था उसमें दिखाया है कि पिताजी को तो इच्छा थी दहेज लेने की, लेकिन उनके बेटे ने उसका विरोध किया और पढ़ी लिखी अच्छी लड़की से शादी करी, जो ही वास्तव में घर की लक्ष्मी होती है। और ये संदेश समाज को दिया, वृक्षारोपण का काम हमने लोगों को संदेश दिया कि वृक्षारोपण करके आप हर समाज को वो करिए, हरियाली प्रदान करिए,